मैंने कभी भी कोई भी सीए का लेवल वन और सीएफए के लेवल वन की पढ़ाई को एक साथ नहीं किया। सीए का लेवल टू सीएफए का लेवल टू की पढ़ाई को एक साथ कभी नहीं किया। मैं पहले एक लेवल एक कोर्स का पकड़ रहा था, फिर दूसरे कोर्स का कोई लेवल पकड़ रहा था। ये 5 आउटलायर्स आपके केस में अगर हो तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप अपने ड्रीम करियर में जा सकते हैं। हेलो कैंडिडेट्स, आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। थंबनेल पे देख लिया होगा ना आपने, CA plus CFA roadmap। आज अपने करियर में whatever I make, जो भी मैं पैसे कमाता हूँ, everything is owed to these two beautiful courses, CA and CFA। डिटेल में डिस्कस करूँगा कि ये दोनों के दोनों कोर्सेज आप अपने करियर में कैसे प्लान कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक के देखिएगा। इंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है कि 2 मिनट में क्विकली बता दूँ कि हाँ ऐसा ऐसा कर लो। करियर में अगले 4 साल की प्लानिंग करने वाले हैं, अगर 10-15 मिनट अच्छे से बात कर लें तो लॉन्ग टर्म इजी हो जाएगा। डिटेल में डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ ब्रिलियंट डिसीजन। अगर आप कोर फाइनेंस की जॉब्स में जाना चाह रहे हैं, वहाँ करियर बनाना चाह रहे हैं, तो नथिंग बीट सीए प्लस सीएफए। श्योरली आपको करियर में कितने एडवांटेजेस होंगे आप अभी सोच भी नहीं सकते। मुझे बहुत एडवांटेजेस हुए, मुझे बहुत फ़ायदे हुए। सर कैसे? वैल्यूएशन, IB, वो जॉब्स जो जनरली CAs को फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं मिलती थी। CAs यूज्ड टू गेट जॉब्स लाइक ऑडिट, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, बट नॉट जॉब्स लाइक वैल्यूएशंस राइट अवे। आई गॉट दोज। विल इट बी अ गेम चेंजर फॉर यू एज़ वेल? आई होप सो। दोनों के दोनों बहुत डिफिकल्ट कोर्सेज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिसअपॉइंट मत होइए कि सर ने पहले ही बोल दिया मुश्किल कोर्सेज हैं। आसान चीज़ें करने से क्या मिलता है करियर में? नथिंग। BCom, BBA करके किसी को बहुत अच्छी जॉब्स मिलती हैं क्या? क्या आपका ड्रीम करियर BA करने के बाद बन जाता है क्या? नो ऑफेंस टू पीपल हु हैव डन BA। मैंने भी BCom कर रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कहने के लिए इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है फॉर कॉमर्स, नो डाउट्स अबाउट इट। बट इन माई ओपिनियन द नॉलेज दैट आई गेन्ड ओवर देयर वॉज नॉट गुड इनफ टू गेट मी टू अ ब्रिलियंट जॉब, जहाँ पे कॉग्निटिव एबिलिटी, सोचने समझने का ज़्यादा काम हो। ऐसी जॉब्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था मैं श्योरली, सिर्फ अपने BCom करने के बाद। तो CA plus CFA is a brilliant choice, no doubt about it। अब आगे मूव करते हैं, करियर के लिए अच्छा रहेगा ये पता चल गया। करेंगे कैसे? हाउ टू गेट दिस इन योर CV, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मेरा एक थंब रूल था वेल आई वॉज डूइंग दीज टू कोर्सेज टूगेदर। द थंब रूल वॉज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने कभी भी दोनों एग्जाम्स की पढ़ाई को एक साथ नहीं किया। लेट मी रीस्टेट इट इन डिफरेंट लैंग्वेज। लोगों को ऐसा लग रहा था कि करण CA और CFA एक साथ कर रहा है, ऐसा था नहीं। आई हैड डाइसेक्टेड द होल प्रिपरेशन इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। मैं पहले एक पीस को केटर करता था, फिर सेकेंड पीस पर मूव करता था, दो चीज़ें अकम्प्लिश करने के बाद तीसरी चीज़ पे मूव करता था। CA प्लस CFA में कुल मिला के CA के 3 लेवल, CFA के 3 लेवल, 6 लेवल्स हो गए, करेक्ट। मैंने कभी भी कोई भी CA का लेवल वन और CFA के लेवल वन की पढ़ाई को एक साथ नहीं किया। CA का लेवल टू CFA का लेवल टू की पढ़ाई को एक साथ कभी नहीं किया। मैं पहले एक लेवल एक कोर्स का पकड़ रहा था, फिर दूसरे कोर्स का कोई लेवल पकड़ रहा था, फिर पहले कोर्स का पकड़ रहा था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं कंप्लीट टाइमलाइन डिस्कस करूंगा आपके लिए सो दैट आपको एक्शनेबल प्लान मिले। ऐसे हवाबाजी वाली बातें नहीं करने वाले हैं। बिफोर आई मूव टू टाइमलाइन, एक बार मैं अपना एक और रूल बोल देता हूँ। फॉर मी CA वॉज माई बेस कोर्स, CA वॉज माई प्राइमा फेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स। मैं CFA इसके साथ मैनेज करूंगा ये मैंने सोचा हुआ था। सर इसका मतलब यह है कि CFA अपने आप में अच्छा नहीं हुआ? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा ये। आप फालतू का एजम्पशन ड्रॉ कर रहे हो इससे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी रीस्टेट दिस। मुझे ऐसे लगता है कि CA एक ऐसा कोर्स है जो आप जॉब के साथ मैनेज नहीं कर सकते, CFA कर सकते हैं। CA के कोर्स में थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स इतने सारे डले हुए हैं कि आपको लॉन्ग नंबर ऑफ आवर्स एंड वेरी गुड मेमोरी और वेरी गुड रिपीटेशन चाहिए। रट रट के एग्जाम देने ही पड़ेंगे। मुझे पता है बहुत सारे CAs गुस्सा हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रट के CA बन जाएंगे, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि CA के कोर्स में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे रटना या जहाँ पे एंड में याद रखना ही एक चारा है एग्जाम अच्छे से निकालने के लिए। इस वजह से CA के एग्जाम को अलॉन्ग विथ अ जॉब करना इज मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। बट CFA के कोर्स में ऐसा नहीं है।
सीएफए के कोर्स में आप अलॉन्ग विथ अ जॉब भी इस कोर्स को मैनेज कर सकते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरे माइंड में बहुत चीज़ें क्लियर थी। आई वॉन्टेड टू बी इन अ स्पेस वेयर जिस दिन मेरा सीए फाइनल कंप्लीट हो उस दिन तक मेरे एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ सीएफए क्वालिफाई हो जाने चाहिए, क्योंकि सीए क्वालिफाई होने के तुरंत बाद आई विल गेट इनटू अ कोर फाइनेंस जॉब। अलोंग विद दैट जॉब आई विल मैनेज माय लेवल 3। अगर मैं इसका ऑपोजिट प्लान करता, मैं सोचता सीएफए कंप्लीट कर लेता हूं और सीए फाइनल अलोंग विद माय जॉब कर लूंगा, तो मेरे ख्याल से पॉसिबल ही नहीं था, आई वुड हैव डेफिनेटली फेल्ड। इस वजह से बेहतर प्लान ये है कि सीए फाइनल पहले कंप्लीट हो, सीएफए उसके बाद कंप्लीट हो, सीएफए का लेवल 3 उसके बाद देंगे अलोंग विद अ जॉब, दैट इज परफेक्टली फाइन। अब सीए फाइनल तक पहुंचना कैसे है उसकी बात करते हैं। अब मैं चल रहा हूं अपनी टाइमलाइन के डिस्कशन पे। सुनिए, टाइमलाइन कुछ इस तरीके से मैनेज होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अपियर फॉर योर सीए लेवल 1 एग्जाम, सीए फाउंडेशन जिसको आप कहते हैं, आप सबसे पहले उसे अपियर करेंगे। स्टेप 2, गिव योर सीए का लेवल 2, सीए इंटर। स्टेप 3, गिव योर सीएफए लेवल 1 एग्जाम्स। स्टेप 4, गिव योर सीएफए लेवल 2 एग्जाम्स। स्टेप 5, गिव योर सीए फाइनल एग्जाम्स। स्टेप 6, गिव योर सीएफए लेवल 3 एग्जाम्स। ये तो मैंने सिर्फ टाइमलाइन डिस्कस की है, अब इस टाइमलाइन में डिटेल में घुसते हैं। आइए, सबसे पहले सीए इंटर का एग्जाम देना है। सीए इंटर का एग्जाम बहुत मैनेजेबल होता है, मुश्किल नहीं होता ये एग्जाम। इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन सीए फाउंडेशन, देन आई थिंक आपके एफर्ट्स की कमी और कुछ हो ही नहीं सकता है। सीए फाउंडेशन इज नॉट डिफिकल्ट, एज सिंपल एज दैट। 6-8 months लगा के आपने सीए का फाउंडेशन का एग्जाम दिया, यू क्वालिफाइड दैट। सीए फाउंडेशन क्लियर होने के बाद आपको सीए इंटर करने के लिए ऑलमोस्ट 8-10 months का समय मिलेगा, लेट्स कॉल इट 1 year फॉर सिंप्लिसिटी सेक। आपने 1 साल लगा के या 10 महीने लगा के सीए का लेवल 2 का एग्जाम दे दिया, यू क्वालिफाइड सीए लेवल 2 एग्जाम्स। सीए के लेवल 2 एग्जाम से सीए के फाइनल एग्जाम्स के बीच में, सीए लेवल 2 एंड सीए फाइनल, इसके बीच में आपके पास 2-2.5 साल का समय होता है। कैंडिडेट्स डू देयर मैंडेटरी इंटर्नशिप, दैट इज कॉल्ड द आर्टिकलशिप इन दैट पीरियड। मेरे हिसाब से इस टाइम फ्रेम में आपको सीएफए का लेवल 1 और लेवल 2 दोनों मैनेज कर लेना चाहिए। जैसे ही आपने सीए का इंटर दिया, सीए लेवल 2 दिया, उसी समय इन नेक्स्ट 3-4 months राइट योर सीएफए लेवल 1 एग्जाम्स, इन नेक्स्ट 8 months राइट योर सीएफए लेवल 2 एग्जाम्स। मतलब सीए इंटर क्वालिफाई करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर, सीए इंटर क्वालिफाई करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपको सीएफए के दोनों लेवल क्वालिफाई कर लेने चाहिए। दैट्स माय 2 cents, ये सही तरीका रहेगा। एक बार दोबारा पूरे के पूरे प्लान को रिविजिट करो। जब आप सीए लेवल 1 दे रहे थे, सीए फाउंडेशन दे रहे थे, उस टाइम पे आप सिर्फ फाउंडेशन पढ़ रहे थे। जब आप सीए इंटर दे रहे थे तब आप सिर्फ सीए इंटर दे रहे थे। सीएफए लेवल 1 एंड लेवल 2 की प्रिपरेशन के टाइम पे सीए की कोई पढ़ाई नहीं चल रही थी। जैसे ही आपने सीएफए के दोनों लेवल क्वालिफाई किए, मेरे ख्याल से सीएफए की कहानी को पॉज करिए, फुल फोकस ऑन योर सीए लेवल 3 मीनिंग सीए फाइनल फॉर नेक्स्ट 1-1.5 years। दिस शुड बी गुड इनफ फॉर यू टू क्रैक योर एग्जाम्स, योर सीए फाइनल एग्जाम्स, एंड दैट्स इट। यू आर डन विथ 90% ऑफ द जर्नी। आपने सीए लेवल 1 से शुरू किया, सीए लेवल 1, सीए लेवल 2, सीएफए लेवल 1, सीएफए लेवल 2, सीए फाइनल, यू आर डन। अब सीए फाइनल क्लियर होने के बाद जब आप जॉब लेने के लिए जाएंगे, तो आपके सीवी पे ये दो जो आपने लेवल्स क्लियर किए सीएफए के, इट वुड बी अ गुड ब्राउनी पॉइंट टू गेट यू इन टू अ कोर फाइनेंस जॉब। दिस शुड डू वंडर्स विथ यू। अब सीएफए का जो फाइनल लेवल है वो आप किसी भी टाइम पे प्लान कर सकते हैं, मे बी नेक्स्ट 1 year, मे बी नेक्स्ट 2 years, डिपेंडिंग ऑन द ऑन योर अवेलेबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन हाउ क्रिटिकल योर जॉब इज। इन माय केस मैं सीए फाइनल देने के 2 साल के बाद सीएफए फाइनल देने गया था। शायद थोड़ा कम समय लेता तो और बेहतर होता, बिकॉज व्हेन आई वाज गिविंग माय सीएफए लेवल 3 एग्जाम्स, मैं लेवल 1 और लेवल 2 के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भूल चुका था, तो आई हैड टू रिविजिट इट। थोड़ा सा मेरे लिए काम ज़्यादा बढ़ गया था लेवल 3 में, बट इवन इफ आई हैव टू गो बैक इन माई जर्नी एंड डू एनी चेंजेस इन इट, मैं शुरू के 5 स्टेप में कोई चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। मैंने बहुत बार कैंडिडेट्स को देखा है कि वो
सीए और सीएफए एक साथ प्लान कर रहे होते हैं और दोनों के दोनों एग्जाम्स मैसअप कर देते हैं बिकॉज दे डू नॉट प्लान इट वेल। अगर आप इसकी सही प्लानिंग करें जैसा मैंने बताया, अगर आप वैसे करें दैट शुड हेल्प यू अलॉट। खैर, ये हो गई पूरी की पूरी जर्नी की बात। इंटेंट क्या है, मतलब ये मतलब व्हाई डू वी रियली वांट टू अकम्प्लिश ऑल दिस। इट्स लाइक दिस, जब आप सीए के बाद अपनी जॉब लेने के लिए जाएंगे ना, योर फर्स्ट जॉब, इफ यू रियली डू नॉट वांट टू गेट इनटू ऑडिट, टैक्स, अकाउंटिंग, देन यू नीड टू हैव अ फ्यू आउटलायर्स इन योर सीवी। तो नेक्स्ट सेगमेंट में मैं कोर आउटलायर्स की बात करने वाला हूँ कि सीए करते समय आप क्या आउटलायर्स क्रिएट कर सकते हैं अपने पूरे के पूरी जर्नी में। देखिएगा, द फर्स्ट आउटलायर कैन बी यू बीइंग फ्रॉम अ वेरी गुड रेगुलर कॉलेज। यस, रेगुलर कॉलेज हेल्प्स। लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा देना, मतलब ये थोड़े से छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं बट हेल्प करते हैं। तो रेगुलर कॉलेज हेल्प्स। रिक्रूटर्स लाइक पीपल हु हैव गॉन टू अ रेगुलर कॉलेज। आई एम नॉट सेइंग दैट इफ यू आर फ्रॉम एन SOL और करेस्पॉन्डेंस से कोर्स किया है तो कुछ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बट रेगुलर कॉलेज हेल्प्स। दैट्स माई ओपिनियन, दैट्स माई एक्सपीरियंस। आई माइट बी रॉन्ग, आई वुड बी हैप्पी इफ यू हैव अ काउंटर व्यू पॉइंट एंड पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी ओपन फॉर योर इनपुट्स एज वेल। सो माई फर्स्ट आउटलायर वॉज रेगुलर कॉलेज। सेकेंड, बींग अ सी ए प्लस अ सी एफ ए, या क्लियरिंग टू लेवल्स ऑफ सी एफ ए अलॉन्ग विथ योर सी ए। ऐसा है, आपके जितने भी पीयर्स रहेंगे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। नाउ इफ दे आर अप्लाइंग फॉर अ लेट्स से अ वैल्यूएशन जॉब वर्सेज यू हु हैज डन अ सी ए प्लस सी एफ ए बोथ लेवल्स या सी एफ ए ऑल थ्री लेवल्स क्वालिफाइड, यू विल डेफिनेटली हैव एन एज ओवर द अदर कैंडिडेट, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ अ सर्टिफिकेशन, rather also in terms of your knowledge, in terms of your insight, in terms of your overall knowledge set of valuations, of detailed discussion, deep dive discussion on intricate points of finance, this helps। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक डिग्री एक्स्ट्रा है दिखाने के लिए, मेरे पास एक सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा है, सीएफए वाले जो बैच देते हैं वो एक्स्ट्रा है, नहीं, बुद्धि भी तो एक्स्ट्रा है यार, चीजों पे ज्यादा अच्छी नॉलेज कमांड कर रहा हूँ, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। सो ये थे मेरे दो आउटलायर्स। माय थर्ड आउटलायर इज इफ यू हैव डन अ बिग फोर आर्टिकलशिप। अगर आप केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, डेलॉयट के आर्टिकल हैं तो इट रियली हेल्प्स, या फिर इवन बिग सिक्स, बिग एट आर्टिकल, बीडीओ, जीटी, आरएसएम, एमजीओ, ये वाली फर्म्स की भी आर्टिकलशिप इज इक्वली गुड, नथिंग लेस इन दोज फर्म्स एज वेल। बहुत अच्छी बात होगी चौथा नंबर पॉइंट अगर आपकी आर्टिकलशिप वैल्यूएशंस में या मॉडलिंग के डोमेन में रही है, नथिंग लाइक इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, श्योरली if you have a rank in any level of chartered accountancy, most preferably in CA finals, it helps like anything। तो ये पांच outliers आपके केस में अगर हो तो possibility बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप अपने dream career में जा सकते हैं। Higher outlier means higher possibility to get into core finance as your first job। I don't intend to say कि आप ये पांचों points को tick करें, but जितने ज़्यादा tick मार पाएंगे ये जो पांच points हैं उतना ज़्यादा possibility रहेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जिसने सीए के साथ सीएफए नहीं किया है उसको कोर फाइनेंस की जॉब नहीं मिलेगी, प्लीज़ मुझसे इस बात पे लड़ाई मत करिएगा। बट यस, इफ़ यू वांट टू हैव अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन योर सीवी, आई थिंक सीएफए हेल्प्स। दैट इज़ हाउ आई क्लोज इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना, बताना और किन बातों पे आप सवाल पूछना चाहते हैं, कोशिश करेंगे रिस्पॉन्ड करने की सब पर। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, एंड एज आई ऑलवेज से, मे गॉड बी बाय योर साइड। बाय बाय।